एक तो ये एनडीए फर्स्ट 2018 के सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरा, कंपटीशन में आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करते हैं। इस पेपर का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें 60 क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और कुछ 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा समय लग सकता था, यानी कि जिनको मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो थोड़े टिपिकल थे, यानी कि जिसको कि आपका काफी समय बर्बाद कर देते। तो जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 5 मिनट का अगर समय लग रहा है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन इस कंपटीशन के लिए नहीं था। इस कंपटीशन में केवल सबसे पहला तो मैनेजमेंट का काम रहता है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को कर लें जिनको आप जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक क्वेश्चन है एनडीए का, इसमें आपको दे रखा है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करती है तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि ये वैल्यू कब सेटिस्फाई कर रही है, जब हम अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिक्वल्स टू 90 डिग्री ले लें, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। 90 पर कॉस 0 + 0 + 0 = 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अल्फा बीटा गामा की जब हम 90 रखेंगे तो यहाँ पर साइन 90 होता है 1 + 1 + 1, आंसर इज 3, जो कि आपके कोई टाइम नहीं लगा। दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का अधिकतम मान क्या है। आपको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि साइन का अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन 0 पे कितना रहता है, 0, 90 पे कितना हो जाता है, 1, और कॉस में यही ऑब्जर्वेशन उल्टा है, लेकिन 45 पे ये दोनों कह रहते हैं बराबर रहते हैं। तो अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो किस पर होनी चाहिए, 45 पर। पाई बाई फाइव का मतलब कितना हुआ, पाई बाई फाइव का मतलब कितना हुआ, 36। अब 36 में क्या जोड़ा जाए कि ये 45 हो जाए, 36 में क्या जोड़ा जाए कि 45 हो जाए, तो 9 इसमें कौन सा है, 9 डिग्री कौन सा है इसमें, पाई बाई 20। तो आंसर इज पाई बाई 20, गॉट इट। ये तो सबको पता है ना। और देखिए, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य मैं बता देता हूं आपको। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका अधिकतम मान कितना होता है, √a² + b², दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो दैट इज −a² + b² इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेम। एम आई क्लियर और नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहां तक। तो अधिकतम मान हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पाई बाई 4 पर होता है, आपको पता है, और वो पाई बाई 4 ही हमारा कब होगा, जब इसमें हम 9 डिग्री और जोड़ दें, तो 9 डिग्री आंसर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताइए। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 2y - 3, यानी कि उस रेखा का आपको समीकरण बताना है जो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होके पास होती है। और अगर इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से पास होगी तो देखिए, इस पॉइंट से अगर ये लाइन पास होगी तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन से ये पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। निकालिए जरा, पॉइंट क्या निकल के आया देखिए। तो जब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, इसमें दो का मैंने गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा, तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हमारी ये आई, एक्स की वैल्यू आई −7/5 और वाई की वैल्यू आई 11/5, राइट। अब आपको उस रेखा का समीकरण बताना है जो इससे होकर गुजरती है, और अगर इससे होकर गुजरती है, ये लाइन है, इस पर करोड़ों पॉइंट होंगे, तो एक पॉइंट इस पर −7/5 और 11/5 भी होगा। और अगर ये पॉइंट इस लाइन पर होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह −7/5 और वाई की जगह 11/5 रख के देखिए कौन सा आपका सेटिस्फाई कर रहा है, बता। हाँ बच्चों, तो आपने जब ये रख के देखा तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई इसको करेगा। एक बार रख के देख लीजिए आप, सी वैसे सबसे सिंपल है रखने के लिए, 11 + कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स बराबर रखना है −7
-7 और -11 कितना हो गया -18, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर इज दिस वन। बच्चों मैंने आपको 2D में प्लेन में बताया है कि अगर आपको ये दिया जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1, यानी उस रेखा का समीकरण खींचिए जो x1 और y1 से होकर पास होता है, गुजरता है, तो केवल आपको x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देना है। तो वही मैंने किया है। ये कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण बताना है कि जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है, तो इस पॉइंट से गुजरती है या नहीं, जैसे हम लाइन का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट से गुजरती है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगी, करके देखिए, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3, जो 2 और 3 से होकर गुजरती है और इसका जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, आपने एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो y अपॉन यहाँ पे कितना है 2a = 1, ये पढ़ा था, तो यहां से मैं कह सकता हूँ 2x प्लस y = कितना 2a। अब ये किससे पास हो रहा है, 2 और 3 से, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे, रखिए 4 + 3 = 7, ठीक है, ओके, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 अपॉन 2। Am I clear? तो हमारी इक्वेशन अब आराम से बन जाएगी, आपको केवल क्या रखना है इसकी जगह 7 अपॉन 2, तो 2a प्लस y बराबर कितना आ गया, यानी 2x प्लस y बराबर 7 है, कोई बी ऑप्शन है तो आंसर इस भी, ठीक है बच्चों। अब दूसरा, आप चाहो तो वो भी ट्रिक लगा सकते हो, ये 2 और 3 से पास होती है तो आंसर चेक कर लो, कैसे कर लो, x की जगह 2 और y की जगह 3 रख के देखो, सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, कर रही है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। व्हाट इट, x की जगह 2 रखो, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, अब इंटरसेप्ट तो 7 ही होगा, 1 तो हो नहीं सकता, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस वन एंड दिस, इसका शीर्ष ये है, तो देखिए इलिप्स का भी वही सीन है, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, अगर वर्टेक्स कहाँ होगा, इसके इस पे होगा ना, सेटिस्फाई करेगा ना वर्टेक्स, वर्टेक्स इस इलिप्स पे ही तो होगा, यानी दीर्घवृत्त पे ही तो होगा, और दीर्घवृत्त पे होगा तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x बराबर ±5 और y बराबर 0 रख के देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है, और दूसरा और कौन सा कर रहा है हमारा, और कोई नहीं कर रहा, तो आंसर इज ए, केवल आपको x की जगह ±25, y की जगह 0 रख के देखना है, 1 आ रहा है, a से आ रहा है, आंसर इज दिस, गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे NDA फर्स्ट 2018 के क्वेश्चंस हैं, राइट, केवल आपको ये देखना है कि कैसे आप क्वेश्चन मैनेज करें, और भरोसा मानिए केवल 40 to 45 राइट क्वेश्चंस आपका कट ऑफ गया है, जो कि आप आधे घंटे में निकाल के आ सकते थे, मैक्सिमम 45 क्वेश्चंस कट ऑफ जाएगा इसका, यानी 45 क्वेश्चन अगर आपने 120 में से सही कर दिए होते तो आपका SSB कॉल आ जाता। और फिर से मैं कह रहा हूं, या भरोसा नहीं, दृढ़ विश्वास की जरूरत है, विश्वास अगर दृढ़ ना हो तो कोई काम नहीं करता। मैं जितनी भी आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंडिया में फेमस है, मैं 45-45 टेस्ट सीरीज बोल के सबको बताता रहता हूं, तो वो आपको मैंने दिए और आप देख रहे होंगे सभी उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो आप उनको भी कर जाओ तो भी आपके 90% मार्क्स तो पक्के थे ही थे, गेटिंग माय पॉइंट। अगला देखिए, एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो ये किससे डिविजिबल होगा, एन की कुछ वैल्यू ले लें, क्या लें बताओ, 1 ले लो, 1 भी तो है नेचुरल नंबर, 1 लेने पर कितना हो गया भैया, ये तो हो गया 96 और ये हो गया कितना +4, यानी 100 और 19, यानी कि ये कितना होगा 2000, और 2000 किससे डिविजिबल है, 2000 से तो है, गेटिंग माय पॉइंट, तो इसमें कुछ करने ही नहीं पड़ा आपको, और कोई शक है इस आंसर में तो आप n बराबर 2 लेके देख लीजिए, लेके देख सकते हैं ना, तो भी आप देख लीजिए कि किससे सेटिस्फाई होता है वो आपका आंसर, क्लियर हूं, ओके। एनडीए में पूछा गया, ये मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस वन, फिर से वही ट्रिक आपको लगानी है, उस तल का समीकरण बताइए जो तो इन तीन बिंदुओं से होकर गुजरता है, कुछ नहीं करना आपको, केवल x की जगह -2, y की जगह 6, z की जगह ये रख के देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है,
और रखना चाहते हैं इसकी जगह एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जेड की जगह ये, और रखना चाहते हैं एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये और जेड की जगह। ध्यान रखना, अगर एक प्लेन हमारा लाखों पॉइंटों से पास हो रहा है तो लाखों पॉइंट्स उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो केवल तीन ही पॉइंट दे रखे हैं, आप देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी वैल्यू रख के बताइए मुझे क्या आंसर है। पहला कर रहा है ना, मैं करके भी नहीं देख रहा, पक्का एक बार आप चाहें तो चेक कर लीजिए। -4 -6 कितना हुआ, -10 और प्लस का 12 यानी कि 2। पहला सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक करेगा। दूसरा देख लीजिए, -6 -10 यानी कि -16 और +18, दूसरा भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, -10 +0 -10 और प्लस का 12 यानी कि हमारा कितना है 2। तो सेटिस्फाई कर रहा है पहला ही, तो आंसर इज फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ओके बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस वन। देखिए 100 से 1000 के बीच एन डिजिटों से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो डिजिट कौन सी है, 5 6 7 8 9। तो पहले प्लेस पे ये पांचों डिजिट आ सकती है, एंड का मतलब होता है गुणा। दूसरी जगह पे चूंकि रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, तो पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, तो आप कहेंगे कि यो जो डिजिट यहां पे आ गई है वो डिजिट यहां नहीं आएगी। तो यहां पर तो पांचों में से कोई आ सकती थी, लेकिन एक जो फिक्स हो गई होगी उसको छोड़ के यहां पर चारों आ सकती है। सिमिलरली दो फिक्स हो गई, यहां पर 3 आ सकती है। तो 5 3 5 6 20 इज एन आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, इफ द रेशियो बिटवीन, किसी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सुना है आपने, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य, दो नंबर अगर ए बी हैं तो उनका समांतर माध्य होता है a+b/2 और उनका गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है यानी कि अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5:3। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मैं कहूंगा a+b/√ab शुड बी इक्वल टू 5/3। क्लियर। अब आप रख के देख लीजिए, ए की जगह 9x और बी की जगह यानी कि रेशियो में है तो इसको 9x मान लो, या डायरेक्ट आप वैल्यू रख लीजिए। आपको ये सारे ए रेशियो बी तो दे रखे हैं, आप रखिए, आंसर विल बी सी। ए की जगह 9, बी की जगह 1 रख के देखिए, तभी ये हमारा सेटिस्फाई होगा। तो सेटिस्फाई होगा तो यही हमारा आंसर होगा, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, देखिए काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, x प्लस लॉग बे ये 15 और ऐसा करके है। आपको बताना है x का मान क्या होगा और x के मान दे भी रखे हैं, चाहे तो आप ऑप्शन से उठा के पुटअप कर सकते हैं। बताएं क्या सिंपल प्रोसेस रहेगी, देखिए सब आपको बताए ना कि देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं। आप चाहे तो देखिए सेटिस्फाई करके देख लीजिए, जैसा भी आपका मन करे ना वैसा आप इसको कर लीजिए। मैं इसको कह सकता हूँ 5 की पावर x, और आपको पता है प्लस में ये किस में हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं कुल मिला के इस वाले पार्ट को कह सकता हूं लॉग बेस 15 12 × 5 की पावर x, गॉट इट। और उधर हमारा क्या है, x प्लस लॉग बेस 15 और 1 + 3 की पावर x, ऐसा ही है ना, यानी कि ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर कुछ आप, ठीक है। और ये किसके बराबर मैंने रखा, लॉग बेस 15 12 × 5 की पावर x के। क्लियर हूं बच्चों यहां तक में, कोई दिक्कत इसमें कहीं किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हूं। अच्छा अब देखिए, आप चाहें तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और चीजें माइनस में हैं तो अपॉन में हो जाती हैं। तो x बराबर मैं कह सकता हूं लॉग बेस 15 12 × 5 की पावर x अपॉन 1 + 3 की पावर x। अब आप x का मान रख के देखिए जरा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। x की जैसे आपने x का मान रखा 1, तो यहां 1 रखने पे ये पूरा 1 आ रहा है या नहीं,
आ रहा है भाई? आपने x बराबर 1 रखा तो देखिए कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 15 चौके 60, यहाँ पे कितना आया 1, तो आंसर इज 1, यानी एक लेने पे सेटिस्फाई हो रहा है। और बच्चों मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि सबसे पहले आप लॉक का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक पुट करके देखेंगे, या जीरो पुट करके देखेंगे, या माइनस वन पुट करके देखेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आपके पास केवल एक ही है, ना तो जीरो है ना माइनस वन है, 2 माइनस 3 और 3 इसके आंसर हो ही नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले जो आप वैल्यू पुट करके देखें वो कितनी देखें, 1। 90% केसेस में आंसर 1 ही होता है, ठीक है ना? ये मेटा स्टडी से बोल रहा हूं, हजारों आप अगर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर 1 होता है। अगला देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 10 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। 4 डिजिट का नंबर है, देखिए 1 2 3 4, 10 से डिविजिबल चाहिए तो भाई 0 तो हमने यहां फिक्स कर दी, ठीक है ना? और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो देखिए पहले प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, पहले प्लेस पे 0 तो यहां फिक्स ही हो गई, 1 2, ये 4 डिजिट आ सकती है, गॉट इट? अब दूसरी प्लेस पे इन 5 डिजिटों में 1 तो यहां फिक्स है, 1 यहां फिक्स है, इनको छोड़कर बची कितनी, 3, और फिर अगले प्लेस पे बची कितनी, 2, तो 4 3 12 2 24, कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अच्छा, अब देखिए ये कह रहा है, सेट का क्वेश्चन है, एक क्लास में 54 बच्चे हैं जो कि केवल हिंदी में अच्छे हैं, 63 बच्चे हैं जो केवल मैथ्स में अच्छे हैं, और 41 बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में अच्छे हैं, और 18 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ्स, देखिए इसमें ओनली का बड़ा योगदान रहता है। इस क्वेश्चन को मैं देखिए आगे देखूं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, तो मैं एक नया खोल देता हूं पेज आपके लिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, बात हो रही है इंग्लिश मैथ्स और हिंदी की, ठीक है ना? ये इंग्लिश का गोला, ये मैथ्स का गोला, ये हिंदी का गोला, और क्या हो रही है, 54 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी है, 63 बच्चे केवल मैथ हैं, और 41 बच्चे केवल इंग्लिश में अच्छे हैं। ओनली की बात का मतलब ये हुआ तो देखिए, ये जो रिप्रेजेंट करता है गोला वो ओनली हिंदी को करता है, ठीक है? हाँ, और ये वाला जो गोला है ये पूरा ये वाला ये करता है मैथ्स और हिंदी को, मैथ्स एंड हिंदी, ओनली मैथ्स एंड हिंदी नहीं, मैथ्स एंड हिंदी को। चलो क्या कह रहा है ये, हिंदी 54 बच्चे, मैथ्स 63 बच्चे, और इंग्लिश के 41 बच्चे हैं जो कि केवल इंग्लिश को पसंद करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया मेरा डेटा, और क्या डेटा कह रहे हैं ये, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, यानी कि तीनों में अच्छे हैं, तो यानी कि तीनों का मतलब कौन सा रिप्रेजेंट करेगा तीनों को, 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि तीनों में अच्छे हैं। और क्या कह रहा है बच्चों डेटा हमारा, देर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, हिंदी और मैथ में 18 बच्चे हैं। तो देखिए हिंदी एंड मैथ्स को देखिए कौन सा रिप्रेजेंट करता है, हिंदी एंड मैथ्स को देखिए पूरा रिप्रेजेंट करता है। एम आई क्लियर? ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूजन मत करना, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, ओनली हिंदी एंड मैथ्स को करता है, लेकिन ये जो पूरा मैंने जो पीले कलर में कर दिया ये किसको करता है, हिंदी एंड मैथ्स। तो हिंदी एंड मैथ्स में और ओनली हिंदी एंड मैथ्स में अंतर समझ में आ गया। तो बच्चों हिंदी और मैथ का वो बोल रहा था कितना है पूरा गोला, 18 का है, ये 10 का है, तो ये कितने का बच्चा, 8 का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है डेटा में। अब देखिए इसमें बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ईदर हिंदी और मैथमेटिक्स, यानी हिंदी या मैथमेटिक्स में तो अच्छे हैं, ईदर और का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं है,
तो बच्चों देखिए, इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो इंग्लिश का गोला पूरा हटा दीजिए। अगर इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है तो इंग्लिश का पूरा गोला क्या करें, हटा दें, बाइकाट कर दें, ठीक है ना। अब कितने बच्चे बचे हमारे पास, 63, 54 और 8 कितने होते हैं, ये कितने बच्चे हुए कुल मिला के, 63 + 8 + 54, 125, यानी कि 125। तो 125 बच्चे ऐसे हैं, 125 आपके पास ऑप्शन है, राइट। अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, जो हिंदी और मैथ्स में तो अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में अच्छे नहीं है। तो देखिए, हिंदी ओनली हिंदी एंड मैथ्स में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश का वो पूरा गोला हटा दिया, तो आंसर इज व्हाट इट, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोफिशियंट्स ऑफ ए की पावर एम एंड ए की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन बी अल्फा एंड बीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि 1 + a^m + n का प्रसार किया जाए तो a की पावर m का जो गुणांक है वो अल्फा है और a की पावर n का जो गुणांक है वो बीटा है, तब आपको बताना है कि अल्फा बीटा का क्या संबंध होगा। तो सिंपल वही लॉजिक, ये है 1 + a, मैंने m मान लिया 2 और n मान लिया 1, कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये बन क्या गया, 1 + a का होल क्यूब, और 1 + a के होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए, a³ + b³ + 3 1² b, यानी कि हाँ 3a² b + 3ab² यही होता है ना बच्चों। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, a की पावर m, तो a की पावर m का मतलब क्या हुआ, a² और a की पावर n का मतलब हुआ a⁻¹। तो a की पावर 1 का गुणांक कितना है, 3, और a की पावर 2 का गुणांक किसमें कितना है, 3, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। इसको वो क्या कह रहा है, अल्फा, और उसको कह रहा है बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे क्या है, बराबर। आ गया समझ में, नहीं आया, सिंपल लेना भाई, चाहो तो स्क्वायर ले लो, 5 ले लो, जो भी आपको लेना है, क्लियर हूं। नेक्स्ट देखिए, What is the sum of all two digit numbers which when divided by 3 leaves 2 as a remainder? यानी कि दो अंकों की, देखिए इसमें नॉन टेक्निकल मैथ्स भी काफी आई है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आया है, उसमें आया है कि कोई 5 किलोमीटर, तो मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, अगले 15 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो ये नॉन टेक्निकल का टॉपिक है, सेट रिलेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो नॉन टेक्निकल के हैं जो आपको यहाँ पूछे गए हैं, ये भी एक तरह से नॉन टेक्निकल का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में आगे चल के APGP का कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखिए कैसे, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच आर, देखिए मैंने मान लिया नंबर n है, इसको 3 से भाग करने पर कितना शेष बच रहा है, 2, मैंने मान लिया भाग कितनी बार गया, 3, तो n बराबर मैं कह सकता हूं 3k + 2, तो जितने भी नंबर होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे, राइट। और ये सारे दो डिजिट्स का इसको क्या चाहिए, वो सम चाहिए, तो सारी दो डिजिट्स, k की वैल्यू क्या लेंगे, दो डिजिट नंबर बन जाए, k की वैल्यू आप सबसे पहले तो 2 लें, तभी तो दो डिजिट का नंबर बनेगा, कितना बनेगा, नहीं सॉरी 3 लें, तो 3 * 9 = 2 = 11, फिर 4 लें तो 4 * 12 = 14, 5 लें 5 * 15 = 17, तो बच्चों कुल मिला के AP बन नहीं है, नहीं बन नहीं, 11 12 13 14 14 15, यानी 3 का डिफरेंस है, एक AP बन नहीं है जिसमें D कितना है, 3, और फर्स्ट टर्म कितना है, 11, और लास्ट टर्म इसमें कितना होगा, इसमें हम रख दें 33, तो ज्यादा हो जाएगा, 32 रख के देखो, 96 * 2 = 98, अगर आप इसमें k बराबर 32 रख देंगे तो कितना होगा, 96 * 2 = 98, तो इसका लास्ट टर्म कितना होगा, 98, क्लियर। तो आपको लास्ट टर्म पता है इस एपी का, वो कितना है, 98, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, पहला टर्म पता है, तो इन सब का सम निकाल लेंगे, निकल जाएगा। एपी का सम क्या होता है, n/2 a + l, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इज इन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों यहां तक,
ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एपी में है, ये जीपी में है, तो इनमें से एचपी में कौन होगा? देखिए, मैंने आपको अर्थमेटिक मीन बताया। अर्थमेटिक, अगर ये तीनों एपी में है तो मैं कहूंगा एक्स प्लस जेड अपॉन टू बराबर कितना होगा? 3/2। और यहां से मैं कह सकता हूं एक्स प्लस जेड बराबर कितना होगा? 3। क्लियर? जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका अंडर रूट एक्स जेड, वो कितना दे रखा है? 3। एम आई क्लियर? कोई परेशानी तो बच्चों यहां तक किसी को नहीं है। इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा? 9 = x^2। क्लियर? कोई परेशानी तो नहीं बच्चों यहां तक? अच्छा, एचपी में होने के लिए एक्स जेड को क्या होना पड़ेगा? 2x^z / x+z होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तो देखिए, 2 × 9/3 होना पड़ेगा, यानी कि 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = कितना हो गया? 6। तो मैं कहूंगा x 6 और z ये किसमें है? एचपी में। क्लियर हुए? नहीं भाई, हार्मोनिक जो मीन होता है, आपको मैंने शायद बताया था, हार्मोनिक मीन जो 2 नंबर का होता है 2ab/a+b। तो 2ab का मतलब आपके पास x+z है, xz है, तो 2xz/x+z ही तो होगा। मान रखा तो कितना आया? 6। आंसर इज दिस वन। एम आई क्लियर विद दिस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो देखिए, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन क्यों ना x की वैल्यू ले लें। x बराबर मैंने ले लिया 0 डिग्री। x बराबर 0 पे देखिए, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 cos 0, 1 + 1 2, 0.2 कितना आएगा? आंसर 0। हमारा 0 आंसर आना चाहिए कब? x बराबर 0 लेने पर। x बराबर 0 लेने पर यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो कह सकते हैं कि आप इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। और कोई वैल्यू ले लीजिए, x बराबर 90 ले लिया, 90 लेने पर ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो 90 लेने पर 1/0 कहां से आता है? 10 से, साइन से नहीं आता, तो आंसर इस 10। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत इसमें यहां तक? ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए, मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है छांटना, सिलेक्शन। अगर आपको 5 बच्चों में से 3 बच्चों को छांटना है तो आप कहेंगे 5C3। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप ये नहीं कह सकते ना 3 में से 5 बच्चों को छांटना है। आप 5 में से 3 को छांट सकते हैं, लेकिन 3 में से 5 को नहीं छांट सकते। तो बच्चों, इसमें n का कोई भी मान ले लो, n बराबर इसमें ले लो 4, r बराबर मान लिया ले लो 3। आप चाहें तो कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, आप n बराबर 2 भी ले सकते हैं, r बराबर 1 या 2 ले सकते हैं, राइट? n बराबर 4 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, जब n बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 3 रखेंगे, तो यहां से आंसर आएगा 20, और जो हमारा आ रहा है आंसर डी से। एम आई क्लियर? क्योंकि डी में आप जब रखेंगे 4, 4 और 2 है 6, सी 3 कितना होता है? 20। गॉट इट? तो आंसर इज दिस। क्लियर? कोई परेशानी? अब देखिए, मैं मान लूं, ये तो आंसर समझ में आ गया आपको, रख के देख लेंगे, नहीं देखेंगे? n = 4, r = 3, आंसर 20 आना चाहिए, तो वो कहां से आएगा आंसर? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लेता n = 1 और r = 1, ठीक है, तो बच्चों क्या एक में यहां पर कितना हो जाएगा? -1। तो यानी कि 1 1 पे तो हमारा सेटिस्फाई करता नहीं। तो देखिए, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे किसी भी हालत, क्योंकि r + 1 ज्यादा है। अगर 1 लेंगे तो 0 में से 2 नहीं छांट सकते, और अगर इसको 1 लेंगे तो 1 में से 2 नहीं छांट सकते। तो ये दो आंसर वैसे नहीं हो सकते। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में अगर फॉर्मूले वगैरह आपको नहीं पता है तो सीधी सीधी वैल्यू ले लीजिए। मैंने लिया n = 4, r = 3, आंसर 20 आया, वो आ रहा है ऑप्शन डी से, तो आंसर इज ऑप्शन डी। किसी को समझने में कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने इसीलिए कहा प्रीवियस ईयर को पेपर को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए फर्स्ट 2017 में पूछा गया है, 2017 सेकंड में या फर्स्ट में पूछा गया है। आप देखिए, सेम क्वेश्चन है हूबहू, आपने देखा होगा। कुछ भी वैल्यू इसमें ले लीजिए, आप ले लीजिए x = 60, y = 30,
और चाहे तो आप और भी कुछ ले सकते हैं। और जब x बराबर 60 और y बराबर 30 लिया तो साइन 90 कितना हो गया 1, साइन 30 कितना हो गया 1/2, ऊपर पहुंच गया 2, तो कुल मिला के यहां से केवल आया 2, तो मैं कहूंगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3b, ठीक है, जब a को उधर भेजेंगे। अब इसकी वैल्यू पूछिए, tan x का मतलब tan 60 रूट 3, और ये 1/√3, तो रूट 3 ऊपर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर 3। तीन आंसर आना चाहिए a बराबर 3b रखने पर, तो पहले से ही आ रहा है a बराबर 3b रखने पर तीन आंसर। अगला है, एक सर्वे हुआ 850 बच्चों का यूनिवर्सिटी में, वो कहता है कि 680 बच्चे जो हैं वो म्यूजिक पसंद करते हैं और 215 बच्चे डांस पसंद करते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांस, कम से कम ऐसे कितने बच्चे हैं जो म्यूजिक और डांस दोनों पसंद करते हैं, म्यूजिक एंड डांस दोनों पसंद करते हैं। सर्वे हुआ है आपका 850 बच्चों का, ठीक है बच्चों, तो मैं कहूंगा पी, हाँ म्यूजिक है और डांस है, एम यूनियन डांस, तो ये क्या होता है पी एम प्लस पी डी माइनस पी एम इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब आपको ये पता, आपको बताया क्या गया है कि 680 बच्चे क्या है म्यूजिक पसंद है, 215 को डांस पसंद है, और आपको निकालना है कि जो दोनों पसंद है पी एम इंटरसेक्शन डी निकालना, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो आपका आंसर आ जाएगा शायद 45 आएगा, क्लियर हूं ना, कोई परेशानी, ओके। और देखिए क्वेश्चंस, आई टोल्ड यू अबाउट द बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल को बाइनरी में। अब ये 31 है तो मैंने आपको कन्वर्जन इसका बताया था, अगर ये 31 है तो हम 2 से भाग देते हैं, 15 बार रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 से 7 बार रिमाइंडर 1, 2 से 3 बार रिमाइंडर 1, 2 से 1 बार रिमाइंडर 1, तो इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 5 a 1 1 1 1 1, तो आंसर इज दिस, राइट। और अगर बाइनरी को करना होता है तो आपको पता है इसका बेस कितना होता है 2, तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 4, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 31। अगला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपका, ये कितना हो गया 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, और आयोटा क्यूब यानी कि माइनस आयोटा, तो आंसर इसका कितना आ गया 0, ठीक है। देखिए मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालनी है तो इसके लिए आपको ये r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया है और कॉम्पिटिशन में समय बहुत कम रहता है, तो आप देखिए कि इनमें से किस कौन सा वैल्यू सॉल्व करने पर ये आ रहा है, सेकंड से आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए ये पाई बाई सिक्स का मतलब कितना हुआ, पाई बाई सिक्स होता कितना है 30, तो देखिए 2 × cos π/6 का मतलब cos 30 हुआ, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यहां से आयोटा प्लस रूट 3 आया नहीं आया, तो सेकंड से आ रहा है आंसर, एक सेकंड, गॉट इट। तो बच्चों देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए जो एनडीए फर्स्ट 2018 में थे, तो कट ऑफ क्लियर करना इतना आसान था कि आप पूछो मत, लेकिन मेन जो आपको एम्फेसिस करना था वो कहां करना था कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके जिनको कि आप थोड़ी सी तार्किक बुद्धि अगर आपने अंदर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, कोई प्रॉब्लम किसी को इन क्वेश्चंस में आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो क्लासेस जैसे ली हुई हैं तो उनमें मैंने बेसिक सारा कुछ अपना एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके अतिरिक्त जो मैं आपको पीडीएफ देता हूं, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो मैं पीडीएफ अपनी देता हूं, आप उन पीडीएफ के क्वेश्चंस को लगा जाइए, उसके कंसेप्ट पे बाहर ना एयरफोर्स में आएगा, ना नेवी में आएगा, ना एनडीए में आएगा, और आप लोगों को जो आप यहाँ पढ़ रहे हो आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलती है ना सैटरडे को, उसके जितने क्वेश्चंस होते हैं केवल आप उनको लगा लीजिए, मैथमेटिक्स में किसी बुक को करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है,
90 क्वेश्चन उसमें से आए, मायने रखते हैं 120 में से 90 क्वेश्चन। और क्यों आए? क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते तो आप देखते कि ये तो देखिए पिछले पिछले बार वाला ही रिपीट है, 2017 सेकंड का क्वेश्चन रिपीट है एक तो बताइए। तो आप सोचिए कि अगर आप 10 साल के पेपर लगा के जाते तो कितने क्वेश्चन रिपीट हो सकते थे। तो बेस्ट वे ये है कि उस 45 जो पेपर्स हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं, इनको ऐसे ही नहीं थ्रो आउट कर दें, आप इनका सॉल्यूशन भी लेके जाते हैं। सबसे पहले घर पे बैठ के इन पेपर को पूरा लगाएं, भले ही यहाँ पर इन पेपर में आपके मार्क्स कम आए, लेकिन घर पे जाके आप उसको 100 मार्क्स का बना लीजिए। मान लिया उसमें आपके 50 में से 30 मार्क्स आए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे ये नहीं है कि आपको वो 30 क्वेश्चन आते हैं, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, मुझे नाम करने से फेम करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि जो 20 क्वेश्चन नहीं आए उनको आप घर जाके उसी दिन सॉल्यूशन में से देख के बना लें। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आप हाथ मलते रह जाए, और उनमें से ही आएंगे पक्का है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज अबाउट अवर न्यू बैचेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैचेस फॉर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, नेवी, एसएसआर एंड डबल ए। वी स्टार्ट न्यू बैच फ्रॉम 1st and 15th ऑफ एवरी मंथ। सो फ्रॉम दिस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 1st and 15th May, यानी 15 और 1 मई से आपका एक नया बैच स्टार्ट होगा। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्लेक्सिबल ज्वाइनिंग पैटर्न है, सिलेबस आपका हर 3 महीने में रिपीट होगा। साइक्लिक पैटर्न है, हर दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक फिक्स रहता है। यू कैन ज्वाइन एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर। एक बैच में 30 से 35 और ज़्यादा स्थिति में, यानी 40 से स्टूडेंट्स कभी ज़्यादा किसी बैच में नहीं होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 बच्चों का एक बैच होगा। नो हसल बसल, एकेडमी हमारी जो है फुल पीस एरिया में है, कोई मार्केट में नहीं है, और हॉस्टल चार्जेज आपके 4,000 रुपये महीना रहना खाना होगा अगर आप यहाँ ऑफलाइन कोर्स करते हैं। तो आप चाहें तो आप घर बैठे की भी तैयारी कर सकते हैं एनडीए, सीडीएस या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं। और ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल मैं पहले ही चूंकि आपको दे चुका हूँ, आप चाहें तो ये डिटेल ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो एनडीए की जो हमारी फीस है वो 12,500 प्लस हर एक में 18% जीएसटी लगेगा अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के लेना चाहते हैं तो केवल 7,500 की आपको मिल जाएगी। सिमिलरली सीडीएस का आईएमए, एएफए और एनए, इनकी क्लासेस की फीस भी 12,500 है। एफकेट की 9,500 है। ओटीए की, सीडीएस की 10,500 है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों को अगर आप करेंगे तो 12,500 है। किसी एक ग्रुप की 9,500 है। नेवी, एसएसआर, डबल ए 12,500। एसएससी बैंकिंग 8,500। क्लेट की 20,500। वहीं सिविल सर्विसेज की, हम केवल ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, 500 घंटे के वीडियोस हैं, 15,500 रुपये के। कैट की 20,500 फीस है और अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 13,500 है। इस फीस में हम आपको जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनमें आपको हम स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस हैं इनमें आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम कोर्स रैपिंग अप के 4 सेक्शंस देंगे कोर्स को खत्म कराने के, जिनमें बेसिक क्लैरिटी, एडवांस लेवल, टिपिकल लेवल और रिविजन सेशन होगा। इसी में हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, इसी में वर्कशॉप्स देंगे, इसी में नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जीडीपीआई की क्लासेस देंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्लासेस देंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 जो एयरफोर्स में इंसल्ट हुआ है उसकी क्लासेस भी हम देंगे, मोटिवेशनल क्लासेस भी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारी केवल मथुरा में, उत्तर प्रदेश में संभव है। ये एड्रेस है कोचिंग का, आप चाहें तो गूगल मैप पर एनडीसी कोचिंग भी डाल सकते हैं। हॉस्टल अगर आप हमारा लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, तो 4,000 रुपये महीना रहना खाना हॉस्टल का आपका आएगा। फर्दर जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप अथवा कॉल कर सकते हैं। इस नंबर का व्हाट्सएप मैं यूज करता हूँ और कॉल रिप्रेजेंटेटिव्स उठाते हैं। तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू दिस ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता चुका हूँ। तो दिस इज द एकेडमी एड्रेस आई गेव यू, और 1st and 15th हर महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एडवांस के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं इस नंबर से,
ये आपको बता देंगे जो भी अकाउंट डिटेल्स होंगी। यानी कि आपको 1000 रुपीज अपनी सीट बुक करने के लिए, अगर एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम 35 से 40 बच्चों एक बैच में पढ़ाते हैं तो काफी रस रहता है, बिकॉज इतने सारे बैचेज में नहीं ले सकता। तो आप 1000 रुपीज इस अकाउंट है एनडीसी स्टडी मटेरियल का, इसको भेज के, इसका एफएससी कोड ये है, इस नंबर पे मुझे रिसिप्ट व्हाट्सएप कर दें, आपकी एडवांस में सीट रिजर्व हो जाएगी जिस भी मंथ से आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एडवांस की जो फीस होगी वो 1000 रुपीज होगी, जो कि आपको केवल सीट बुकिंग के लिए जमा करनी है, अगर आप इस एकेडमी को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस। मैं कुछ वीडियोस आपको क्लासेस के डेमो के भेज रहा हूँ, जो कि मैंने पीपीटी में क्लास की जो प्रोजेक्टर की रिकॉर्डिंग हुई है, वो मैं आपको इसी के साथ कुछ डेमो वीडियोस अटैच करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस हमारे आपको मिलते रहेंगे, साथ साथ बेल आइकन्स दबाइए। होल्ड थैंक्स फॉर होल्डिंग योर पेशेंस। थैंक्स अ लॉट।